Chicken steaks with creamy white saucepan pasta. It's cheesy. आज हम बना रहे हैं चिकन स्टिक्स विद क्रीमी व्हाइट सॉस पैनी पास्ता. इट्स चीज़ी. सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे. पैन में जो है हम मक्खन को मेल्ट करेंगे. उसके बाद उसमें 2 से 3 चम्मच, मैंने बड़ा चम्मच यूज़ किया, 2 से 3 चम्मच फुल मैदा डालेंगे और हीट थोड़ी सी कम कर देंगे और जो है ये भुन जाएगा. जब ये भुन जाए पूरा, यू नो, बोनीफाई करने से, तो इसके अंदर हम डालेंगे दूध. अच्छा, दूध डालेंगे तो उसको साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें. उसके बाद इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनो, थोड़ा सा जो है भुना ज़ीरा, उसके बाद उसमें ब्लैक पेपर, वो भी ग्राउंड, ओके, यानी कि पिसा हुआ या फिर दानेदार थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिंच, और नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे. अच्छा, ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता. अच्छा, ये देखें ये कितना गाढ़ा है, ना ज़्यादा पतला है. ये बहुत ही मतलब सही बना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला. अच्छा, अब ये थोड़ा सा जब हम इसका चम्मच चलाएंगे गाढ़ा होने लगेगा. पहले आप इसके अंदर क्रीम डाल दीजिए क्योंकि ये क्रीमी है, तो इसके अंदर क्रीम ज़रूर जाएगी. और आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं और जो है इसको क्रीमी बनाने के लिए. वेल, यहाँ पे जो है मैं इसको साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी ताकि लगी ना स्लो फ्लेम पे, ये पकता रहेगा. और ये रेडी हो गया है, तो उसमें हमने बॉईल किए हुए पैनी पास्ता डाल दी. आप चाहें तो शेयर किया था आपके साथ. अच्छा जी, चिकन के स्लाइस दे लीजिए थिन, उसको हैमर से जो है आप उसको पतला कर ले. उसमें डालें आप अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और जो है ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो और उसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे. बहुत कम मसालों में ये तैयार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है. जितने कम मसाले होंगे उतने ज़्यादा इसमें मिक्स होंगे. ये नहीं कि ज़्यादा मसाले आप भर दें तो कोई मज़ा इसमें रहता नहीं है. खैर, इसको हम मैरिनेट कर देंगे 6 से 8 घंटे के लिए और उसको जो है आप फ्रिज में रख दीजिए. और होल नाइट अगर रखें तो बहुत ही अच्छा है. उसके बाद जो है हम इसको अंडा फेटेंगे, उसके अंदर नमक मिलाएंगे, थोड़ा चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से. अंडा खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. उसके बाद जो है सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स लेंगे और मैदा लेंगे. ये सब चीज़ें एक एक जगह हम पहले सेट कर लेंगे. सबसे पहले हम मैदे में ब्लैक पेपर और नमक मिलाएंगे और इसके अंदर जो है चिकन को कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे. उसके बाद हम जो है ब्रेड क्रम्स में जो है इसको कोट करेंगे दोबारा और फिर इसको हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे, फिर धीमी आँच कर देंगे. अब ये देखें ये कितने अच्छे से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है, कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है. बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी जो है वो फ्राई हो जाएंगे. फिर इसको प्लेट में असेंबल करेंगे. सबसे पहले चिकन स्टिक्स लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर पैनी पास्ता जो है हम रखेंगे और उसको उसके साथ मिक्स करके खाएंगे. आप लोग घर पर ज़रूर बनाइए और बताइए कैसा लगा. ईद में भी बहुत अच्छे से हमने बनाया था तो सबको बहुत पसंद आया था. होप आपको भी अच्छा लगेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.